जिले वासी की। हिंदवा सूरज लक्ष्मण अवतारी बाबूजी राठौड़ के प्रांगण में विराजमान देवासी रबारी समाज के प्रबुद्धजनों, युवा साथियों, अभी संचालक महोदय बोल रहे थे कि पांच स्टेट से, पांच राज्यों से लोग पधारे हुए हैं। हमारे आज के समारोह में संत महात्माओं में विराजमान संत सानिध्य अपन सभी को मिल रहा है। सोमनाथ जी महाराज, संतोष भारती महाराज, अन्य संतगण के शरणों में मेरा नमन वंदन। इस कार्यक्रम का आयोजन करवाने वाले और अतिथि के रूप में विराजमान खानुराम जी, राम स्वरूप जी, भागीरथ जी सरपंच साहब और मेरी टीम के साथी है, मेरे अजीज राजू जी एनकेटी बोल रहे थे, मैं उनकी फुल फॉर्म बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। नींबो का तालाब के सरपंच है वर्तमान बाबूलाल जी भाटेलाई और एक वो महान व्यक्तित्व के नाम से जाने वाले और आप सभी के प्रिय, हम सबके सामने विराजमान दिव्य संस्थान के अध्यक्ष भाई साहब जालाराम जी हमारे सामने विराजमान है। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं पाली के अंदर। ओमाराम जी एवं पूरी केसर ग्रुप कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आपने इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया बाबूजी राठौड़ के इस मंदिर प्रांगण में। और हमेशा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाबूजी राठौड़ के जीवन के बारे में 5 साल का बच्चा होता है उसको भी पता होता है कि बाबूजी राठौड़ ने इस धरती पर क्या किया। बाबूजी राठौड़ लक्ष्मण अवतारी कैसे हुए, उन्होंने गो सेवा, मैं तो मानता हूं और मेरे ज्ञान में है, जहां तक इस धरती पर बाबूजी राठौड़ पहले वो अवतारी हुए जिनका सिंहासन सहित स्वर्ग लोक की ओर गए। बोलिए एक बार बाबूजी राठौड़ की जोरदार जयकारा करें, जिन्होंने अपना सिंहासन सहित स्वर्ग की ओर गए। बोलिए बाबूजी राठौड़ की। मैं पूरे देवासी रेबारी समाज, भाई साहब ने पहले बताया देवासी, देवासी शब्द की एक देव शब्द है, राई का प्रत्येक व्यक्ति को राह बताने वाले राई का, और 37 कौम के सहते, 37 कौम के सहती ये जाति, ये समाज है जो प्रत्येक जाति के लोग इनको बड़े प्रेम से, भाव से और हृदय से इनको अपने गले लगाते हैं, क्योंकि इनका नाम जो है, अभी पहले बताया था कि हरमंदिर देवासी का अभी पैनोरमा के अंदर भी उनका अभी तक वर्णन नहीं किया गया है, मैं मानता हूँ। और सीएम साहब को भी अभी ज्ञापन दिया है कि बाबू जी के पैनोरमा के अंदर हरमंदिर देवासी का बहुत बड़ा वर्णन रहा है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और आज के दिन बाबू जी के पैनोरमा के अंदर हरमंदिर देवासी का वर्णन नहीं है। तो मैं आप सभी देवासी समाज से भी कहना चाहूंगा, और मैं भी ये चाहता हूँ, और हमने भी कई बार हमारे गांव में भी है देवासी समाज के प्रबुद्ध जन है, वरिष्ठ जन है और अधिकारी गण भी है, उनसे भी हमारे साथ में चर्चा हुई है, और उपखंड अधिकारी को भी हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से कि भी बाबूजी राठौड़ के पैनोरमा के अंदर हरमंदिर देवासी का वर्णन होना चाहिए। बहुत बहुत। और मैं मानता हूँ कि अगर इस सरकार ने अगर नहीं किया तो अगले आने वाली सरकार 100% हरमंदिर देवासी का वर्णन इसी पैनोरमा के अंदर करेंगे, अपन दर्शनार्थ के लिए आएंगे। बोलिए बाबूजी राठौड़ की। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ बाबूजी राठौड़ के शरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबूजी राठौड़।